मतदान खत्म होने के साथ ही उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों की सीटों के एग्जिट पोल के नतीजे जो है वो सामने आ चुके हैं और TV9 पोल स्टेट के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 66 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि उनके मुताबिक एनडीए 66 सीटें पा सकती है और इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जाने का अनुमान है। अब बात करेंगे टाइम्स नाउ की, तो टाइम्स नाउ ETZ के एग्जिट पोल के अनुसार यूपी की 80 सीटों में से एनडीए को 69 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। इंडिया गठबंधन को देखें तो 11 सीटें मिल सकती हैं। यहां भी बसपा की झोली में एक भी सीट नहीं जाने के संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया टुडे की बात की जाए तो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए की यूपी की 80 सीटों में से 62 से 72 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 8 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। अब बात करेंगे एबीपी की। एबीपी सी वोटर्स के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी की 80 सीटों में से एनडीए को 62 से 66 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 15 से 17 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बसपा का खाता खुलते ही नहीं दिख रहा है। इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल की बात की जाए तो एनडीए को यूपी में 80 में से 70 से 74 सीटें मिलने का अनुमान है, जो कि सबसे ज्यादा है अब तक का, और इंडिया गठबंधन को 10 से 6 सीटें मिल सकती हैं।